नमस्कार, मैं जीएल डिग्रवाल। पिछले टॉपिक में हमने चर्चा की थी पाइला के एक्सटर्नल फीचर्स की, आज उसके आगे की चर्चा हम करते हैं। पाइला के अंदर जो है इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम्स, लोकोमोटिव सिस्टम्स और अदर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, इनकी भी चर्चा हम करेंगे। तो पहले इसका है लोकोमोटिव सिस्टम्स। लोकोमोटिव सिस्टम के अंदर ये जो है लोकोमोशन, इसके अंदर जो है सोल के द्वारा या क्रीपिंग के द्वारा के होता है, और इसके अंदर जो लोकोमोशन होता है वो स्लाइडिंग लोकोमोशन होता है, और इसके अंदर जो फुट के द्वारा लोकोमोशन होता है, और फुट के अंदर मसल्स पाई जाती है, और मसल्स के अंदर दो प्रकार के मसल्स पाई जाती है। एक मसल्स फुट को आगे की तरफ बढ़ाती है जिन्हें हम प्रोप्रोशनरी मसल्स कहते हैं, और दूसरी मसल जो होती है रिट्रैक्टरी मसल्स होती है जो फुट को अंदर की तरफ खींचती है। तो ये आगे की तरफ जाता है, फिर थोड़े आगे चला जाता है, फिर वो बॉडी को आगे खींच लेता है। इस प्रकार से इसके अंदर लोकोमोशन हो जाता है। तो लोकोमोशन से इतना ज़्यादा वो है नहीं, सिंपल है। और उसके बाद हम चर्चा करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके अंदर मुख्य रूप से दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इसका एलिमेंट्री कैनाल होती है, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल्स आती है, और सेकेंड पार्ट जो होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती है। और इस बात हम चर्चा करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स और एलिमेंट्री कैनाल्स। एलिमेंट्री कैनाल भी जो है यह तीन भागों से मिलकर के बनी होती है। एलिमेंट्री कैनाल्स जो है इसका मुख्य रूप से तीन भाग होता है। फर्स्ट भाग होता है वो उसको हम फोरगट कहते हैं या अग्रभाग कहते हैं। सेकेंड भाग होता है या जिसे मिड या मध्य आंत, मिड गट कहते हैं। और तीसरा जो भाग होता है उसे हम हाइंड गट या पच अंतरात कहते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड भाग और थर्ड भाग, इस प्रकार इसके जो है तीन भाग होते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स के। और एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर जो है वो इसकी कॉइल्स होती है, कॉइल्ड पाई जाए संरचना पाई जाती है। पूरा का पूरा जो है वो इसका विसरल मास्क है, उसके अंदर ये फंसी रहती है। और हम संरचना के अंदर चर्चा की थी कि इसका जो बड़े वाला जो भाग होता है, छठा भाग जो होता है, उसके अंदर जो है ये एलिमेंट्री कैनाल्स अपन को फिट रहती है। तो बात हम करते हैं इसकी फोरगट की। फोरगट जो है इसके अंदर इस प्रकार से रहता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और इस फोरगट के अंदर दो चीज़ें मिलकर से बनता होता है ये, एक बक्कल कैविटी। फोरगट जो है फोरगट दो भागों से मिलकर के बना होता है। पहला भाग जो होता है वो बक्कल कैविटी होती है, और दूसरा भाग जो होता है वो इसोफेगस होता है। इसोफेगस, फर्स्ट पार्ट बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो है उसके अंदर माउथ से शुरू होती है, और वह बक्कल तक इसोफेगस तक जाती है। और इसके अंदर जो है बक्कल कैविटी, ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा जो है बक्कल कैविटी का होता है। इसके अंदर जो है ये कुछ मसल्स पाई जाती हैं जो माउथ को खोलने और बंद करने का काम करती है। इसके अंदर जो है एंटीरियर अग्र के पार की तरफ जो मसल्स पाई जाते हैं उन्हें एंटीरियर लेटरल मसल्स कहते हैं, और बीच के अंदर ये मसल्स जो पाई जाती है जिन्हें मीडियम डोर्सल मास कहते हैं, और तीसरी इसके साइड के अंदर जो पाई जाती है वो पोस्टीरियर मास कहलाता है। और दूसरा जो भाग होता है इसका इसोफेगस वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला इसका इसोफेगस होता है। और इसोफेगस के अंदर जो है इसके ऊपर साइड के अंदर जो है सेलेवरी ग्रैंड पाई जाती है। इसोफेगस के ऊपर जो है एक पाउच की संरचना पाई जाती है जिसे इसोफेजियल पाउच कहते हैं, और इसके अंदर जो है सेलेवरी ग्रैंड भी पाई जाती है। सेलेवरी ग्रैंड की चर्चा हम यहाँ पे करते हैं कि इसके अंदर कितने प्रकार के जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है। उसके बाद इसके अंदर बक्कल गैंग्लियन पाए जाते हैं, ये इस गैंग्लियन के साथ साथ यहाँ के ऊपर इसके अंदर एक रेडुला नाम की संरचना भी पाई जाती है। रेडुला जो होता है वो इसके फुट का इसको
रेडुला जो है ये इसके दांत की तरह काम करता है। फिर एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर भी हमने बताया था कि किस प्रकार इसके दांत करते हैं, और इसके अंदर आरी के समान ये दांत जो है वो पाए जाते हैं, और आरी के समान जो है आगे और पीछे चल करके भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करता है, और छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद में इसका जो है माउथ बक्कल से बक्कल केविटी से भोजन निकल करके जो है वो स्टोमच के अंदर आता है। स्टोमच के अंदर यहाँ पे कई सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम से जो पचा हुआ भोजन है वो शरीर के अंदर विकसित हो जाता है, और अपचा भोजन जो है वो इंटेस्टाइन के अग्र भाग में चला जाता है, और यहाँ पे रेक्टम के द्वारा जो है एनस के माध्यम से शरीर अपचे भोजन को टाइम टू टाइम बाहर निकाल दिया जाता है। बात हम करते हैं मिडगट की। मिडगट के अंदर मुख्य रूप से एलिमेंट्री कैनाल्स आती है, और एलिमेंट्री कैनाल्स की चर्चा जो है ये इसका जो ये अग्रभाग और ये इसका ये हिस्सा भाग जो है ये फर्स्ट भाग हो गया, दिस इज द सेकेंड पार्ट और दिस इज द थर्ड पार्ट। हाइंडगट के अंदर जो है ये रेक्टम्स और एनस का हिस्सा होता है, और जहाँ पे इसके अंदर ये जुट जहाँ पे ये जुटते हैं उसके भाग को हम अलग अलग भाग कहते हैं, और इस प्रकार इसके अंदर जो है कुछ संरचनाएँ पाई जाती है। और आंत का जो